हाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारे पास FX2175 प्रिंटर है। इसमें प्रिंटर इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, आप देखते हैं। चालू करके ऑन करके मैं दिखा देता हूँ। इसमें पावर आ चुका है, बट प्रिंटर का जो हेड मोमेंट होना चाहिए यहाँ इस उधर, ऐसा कुछ मोमेंट नहीं हो रहा है इसमें। तो आई थिंक इस लॉजिक बोर्ड का इशू है, लॉजिक बोर्ड रिप्लेस करके देखते हैं एक बार। तो आप देख सकते हो यह प्रिंटर है, इसमें यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, एक यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू है और यहाँ पे एक स्क्रू है, ऐसे तीन स्क्रू है। इसको निकालना है, प्रिंटर में तीन स्क्रू है दोस्तों, तीनों के तीनों निकालना है। बस तीनों प्रिंटर निकालना है, यहाँ से फ्लैप नीचे करना है, बॉडी को ऊपर करना है। यहाँ पे कंट्रोल पैनल का केबल होता है, यहाँ से धीरे से निकालना है, देख सकते हो। बस निकल गया अपना कवर, से ऊपर करना है, इसको निकाल के साइड में रखना है। देख सकते हो प्रिंटर की कंडीशन दोस्तों, हेड हमारा मूव नहीं हो रहा है। सो पर अपना लॉजिक बोर्ड इसमें है, इसको पहले खोलना है। चलता कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें से इसको निकालना है। तो यहाँ पे सब सारे स्क्रू लगा दिए हुए पहले से ही। और यहाँ पे भी दो स्क्रू है, यहाँ पे इस स्क्रू को निकालना है और कुछ नहीं करना है, बस इस मतलब के बॉडी को निकालना है इजीली। इसको रख साइड में, देख सकते हो आप ड्र की हालत। इसको भी निकालने के लिए ज़्यादा नहीं है, ये देखो पावर के में पावर से यहाँ पे लॉजिक बोर्ड में जो कनेक्शन लगता है इसका यहाँ पे लॉक दिया है। इसको ऊपर करना है, ये केबल को ऊपर करना है और इसको ऊपर खींचना है, देख सकते हो इसका कनेक्शन। इसको ऊपर करना है, फैन का कनेक्शन निकालना है, बाकी ये सब सेंसर वेंसर के कनेक्शन लगे हुए मोटर के और ये सेंसर के कनेक्शन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हेड का केबल है, हेड का भी केबल रिमूव कर देते हैं और एक कंट्रोल पैनल का केबल है जो इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा स्क्रू नहीं है, यहाँ पे एक स्क्रू है, इसके अंदर एक स्क्रू है, बीच में स्क्रू नहीं है, बस एक यहाँ पे स्क्रू है, बस इतने स्क्रू निकलना है ये बाहर आ जाएगा। उस देख सकते हो स्क्रू निकाल दिए, उसको बस अंदर के साइड दबाना है, उसको बाहर निकालना और एक पैनल का केबल है जो अंदर के साइड रहते हैं, उसको लास्ट में निकालते हैं। बस अपना निकल गया लॉजिक बोर्ड, इसकी जगह अपने दूसरा लॉजिक बोर्ड लगाना है, देख सकते हैं ये लॉजिक बोर्ड, इसकी जगह दूसरा लॉजिक बोर्ड लगाना है अपने को। ये पुराना वाला लॉजिक बोर्ड है और इसकी जगह ये नया वाला रिप्लेस करने वाला है, ये नया वाला लॉजिक बोर्ड है इसका, आप देख सकते हो इसमें भी लगा है, इसमें भी फिट करना है बाकी। सो लॉजिक बोर्ड लगाते समय ये वाला बाजू पहले डालना है इसमें, फिर इसका अंदर करके प्रिंटर को सेट लॉजिक बोर्ड से लगाना है, बस लगा के
फर्स्ट कंट्रोल पैनल का ये केबल है जो बहुत ही अंदर के साइड होता है, इसलिए इसको पहले लगा के लेना है। ये तो आपके पास फ्लायर होगा तो फ्लायर से लगाना है इसे, जैसे आपको इजी लगे वैसे लगा लेना है। केबल एक बार लगाना है ये, पहले लग चुकी है अपनी ये केबल, फिर हेड की केबल लगानी है। थोड़ा अंदर के साइड इसलिए थोड़ा प्रॉपर नहीं लगती है, पर सही से एक बार लगाना है, कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए तो शॉर्ट हो जाता है। और ये सेंसर का केबल है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे वाइट, ये ब्लू, येलो, ब्लैक कलर का केबल है, इसके ऊपर ब्लैक और येलो दिया है, बाकी दोनों वाइट है। दोनों वाइट कनेक्शन के दोनों पॉइंट अलग अलग है, इसलिए वो मैच हो जाएंगे इजीली। बस और ब्लू वाला कनेक्शन नहीं है फिलहाल, तो इसमें पहले वाइट वाला लगा के ले लेते हैं। टू पिन का, टू पिन में कलर वाइज दिया गया है यहाँ पे, और ये वाइट थ्री पिन वाला है, अटैच करती थी, बाद में ब्लैक लगाना है। एक कलर वाइज ही लगाना, नहीं तो आपको प्रिंटर आपका रेडी पे नहीं आएगा, बीप देगा। ये इसको छोड़ देना, इसके कलर का नहीं है अपना, ये अभी ब्लैक और रेड है यहाँ पे दिया हुआ है कलर, तो इसे ब्लैक वाला ब्लैक में लगाना है, कोई कलर मिसमैच नहीं करना अपने को। बस ये लगा देना है, कुछ है नहीं, बस ये केबल जैसा था एज इट इज, उसका कनेक्शन सही से करके इसको ऊपर करके ये इसके अंदर लगा देना है प्रॉपर, और इसको प्रेस करना है जैसे फिट हो जाए। इसमें सब कनेक्शन फिट कर दिए दोस्तों, दो स्क्रू लगा देता हूँ मैं, दिल ना जाए यहाँ पे, थोड़ा सा बाहर की साइड ले लेता हूँ। इसको एक बार पावर देके ऑन करके देखते हैं, पावर नहीं था, पावर केबल लगा दिया, अब इसको पावर ऑन करके देखते हैं। देखो अपना बैटरी इनिशियलाइज होने लगा है, ये पूरा मूवमेंट नहीं हो रहा था, पैनल में लाइट भी आ चुका है, देख सकते हैं। ओके बस प्रिंटर इज रेडी, एक बार प्रिंट टेस्ट पेज मार के देख लेते हैं। इसमें प्रिंटर में पेपर लगा दिया है और रिव्यू भी लगा दिया, एक बार इसको प्रिंट देके देखते हैं। देख सकते हो प्रिंटर फायर हो रहा है, अपना प्रिंटर कुछ भी इनिशियलाइज नहीं हो रहा था, बट अभी पूरा प्रिंट फायर भी हो रहा है। देख सकते हो तो थैंक यू दिस वॉचिंग वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।